जब इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हो रहे तो ये एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करते हैं, एक एंकर जो झूठी खबर चलाता है, और झूठी खबर चलाने का उसको उद्देश्य ये था कि बाद में दंगे हो। पत्रकार जो है गोदी मीडिया का पत्रकार है, गोदी मीडिया का वो पत्रकार है जो भारत में दंगे करवाना चाहता था, जो भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाना चाहता था, उसके खिलाफ जब FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज होने के बाद में छत्तीसगढ़ की पुलिस जो कानूनी रूप से जब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है तो पूरा का पूरा सिस्टम उस अपराधी को बचाता है, उससे छीन के गाड़ी में भर के ले जाता है। क्योंकि अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जब छत्तीसगढ़ जाएगी तो छत्तीसगढ़ की पुलिस भी उनके साथ ऐसा ही अपराधियों जैसा व्यवहार करेगी जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ किया है। इसे आप ये मत देखिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस आती है, उनका एक DCP लेवल का एक बंदा आता है, एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए आता है, उस अपराधी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उसके घर पर पहुंचती है और एक नकली मुकदमा, झूठा मुकदमा दिखाकर उनके हाथ से उस अपराधी को छीन के ले जाती है जिस अपराधी ने एक ऐसी न्यूज चलाई जिससे बाद में दंगे होने चाहिए थे। ठीक है, अब ये सवाल ये नहीं है कि एक पत्रकार, अरे पत्रकार तो जुबेर भी तो बंद है, पत्रकार तो और भी तो बंद है, पत्रकार आपने हमारे पत्रकारों को जेल में डालकर आपने सड़ा दिया था, उन्हें उनकी जमानत नहीं होने दी थी, क्या वो पत्रकार की श्रेणी में नहीं आए थे? परंतु एक व्यक्ति जो भारत में हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाना चाहता था, जो ये दिखाना चाहता था कि कांग्रेस का एक जो लीडर है उसने उसे बच्चा कहा और फेक न्यूज चलाई, उसके खिलाफ जब FIR दर्ज हो जाती है तो FIR दर्ज होने के बाद में छत्तीसगढ़ की पुलिस जो कानूनी रूप से जब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है तो पूरा का पूरा सिस्टम उस अपराधी को बचाता है, उससे छीन के गाड़ी में भर के ले जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी बात, न्यायपालिका आंख बंद करके बैठी हुई है। आप यह देखिए कि ना तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ना हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, ना ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने संज्ञान लिया और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने संज्ञान लिया। और जो 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 ये टकराव हुआ है इन दोनों पुलिस के बीच में, यही टकराव जो है भारत को एक नहीं होने देगा। इसलिए नहीं होने देगा क्योंकि अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जब छत्तीसगढ़ जाएगी तो छत्तीसगढ़ की पुलिस भी उनके साथ ऐसा ही अपराधियों जैसा व्यवहार करेगी जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ किया है। पर लेकिन पुलिस तो आपस में कोऑपरेट करती है, अगर दूसरे राज्य की पुलिस आती है। देखिए, वो कोऑपरेट करती है, वो करती है मुस्लिमों के खिलाफ, अनुसूचित जाति के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ, गरीब के खिलाफ, पिछड़े के खिलाफ जो है उसके खिलाफ कोऑपरेट करती है। अगर किसी मुस्लिम पत्रकार को पकड़ना होगा तो इसे किसी भी कोने से पकड़ के ले आएंगे, अगर किसी अनुसूचित जाति के पत्रकार को इन्हें पकड़ना होगा तो किसी भी कोने से पकड़ लाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो महिला पत्रकार है उन तक को ये पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। अब आप कहते हैं कि पुलिस जो है वो सपोर्ट करती है, सपोर्ट किस पे को करती है? हमारे उन लोगों के खिलाफ पुलिस एक है जो कि सिस्टम के मारे हुए हैं। आज आप ये देखिए कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश का पूरा पुलिस प्रशासन और जो है प्रशासनिक जो लोग हैं वो उसे बचाने के लिए उसके घर पर पहुंच गए उस अपराधी की। आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ की पुलिस वारंट लेके आती है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, परंतु ना तो पुलिस उस अपराधी को पकड़ती है, पकड़ने देती है, बल्कि पुलिस, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कानूनी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर ये रूल ऑफ लॉ होता तो इन पुलिस वालों के खिलाफ जिसने इस एंकर को बचाया है इनके खिलाफ 186, 353, 323 और 341 के अंदर में FIR दर्ज तुरंत होनी चाहिए थी, परंतु जो कि नहीं हुई। अब क्या है कि भाई अब एक पत्रकार है, पत्रकार जो है गोदी मीडिया का पत्रकार है, गोदी मीडिया का वो पत्रकार है जो भारत में दंगे करवाना चाहता था, दंगे आग लगाना चाहता था। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुपुर शर्मा का जो मामला है, जिस नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उस मामले पर भी इस गोदी मीडिया के मुंह में दही जमी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ये कंपेन चला रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ही अंतरराष्ट्रीय मीडिया और अंतरराष्ट्रीय लोग इस मुद्दे पर कूद गए तो इन्हें सारे जमाती भी बराती लगने लगी। तब तो इन्होंने मुद्दे बदल दिए, वो मुद्दे बदल दिए कि भाई ये जो वीर वाला मुद्दा आ गया, जॉइनिंग वाला मुद्दा आ गया, इसका मुद्दा आ गया, उसका मुद्दा आ गया। परंतु जब इन्हें लगा कि हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हो रहे तो ये एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट करते हैं, एक एंकर जो झूठी खबर चलाता है, और झूठी खबर चलाने का उसको उद्देश्य ये था कि बाद में दंगे हो, और उन दंगों को प्रमोट जो कर रहा था उसे बचाने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उन्होंने टीवी पर सार्वजनिक माफी मांगी ना एंकर ने कि हमसे गलती हुई, गलत खबर चली हमसे। वो
तो फिर तो जितने भी कानून है उसे खत्म कर देना चाहिए कि भाई आप किसी को भी दंगे करवाओ, माफी मांग लो, गोली मारो, माफी मांग लो, बलात्कार करो, माफी मांग लो, जो मर्जी स्टेटमेंट दो उसके बाद माफी मांग लो। तो आईपीसी, सीआरपीसी, एनएसए और एससीएसटी एक्ट जितने भी एक्ट है उन्हें खत्म कर दो ना फिर, अगर माफी मांगने से खबर है ना, गलती हो जाती है खबर में, तो गलतियां तुमसे ही हो रही है गलतियां। आप जो लोग दंगे कर रहे हैं, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो खुले घूम रहे हैं, सिर्फ गलतियां उन्हीं से होती है। आपको ये गलती लग रही है फिर ये जानबूझ के क्या? ये तो एक प्री प्लानिंग है, ये तो एक रिटर्न स्क्रिप्ट है कि ये बंदा ये बोलेगा, पुलिस आएगी, हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, जो मुद्दे हैं उन्हें डाइवर्ट कर देंगे, और उसके अलावा जो भारत के अंदर जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए उस रूल ऑफ लॉ को ये प्रिवेल नहीं होने देंगे। न्यूज चैनल ने, जी न्यूज ने खबर तो चलाई चलाई, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने खबर शेयर की। देखिए वो देखिए ये जिसने भी ये शेयर की उन सबके खिलाफ आईटी एक्ट के अंदर में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। परंतु सवाल यह है कि शेर का भाई बघेरा एक कुदन हो दूसरा तेरा। अगर आप सोचते हो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग है और दोनों जो इस पटकथा का पार्ट नहीं है तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का विरोध कर रही है और जो वो दंगे होने से रोकना चाहती है, तो पूरे भारत के अंदर कांग्रेस एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि इसका जवाब जो है दे सकता है। परंतु कांग्रेस ही चुप है। कांग्रेस ही इस वजह से चुप है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की आग के अंदर कहीं ना कहीं इन्हें भी समर्थन करना है। क्योंकि आज कांग्रेस बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी, भूत की बात नहीं करेगी, जातिवाद की बात नहीं करेगी, आरक्षण की बात नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेगी, और जब बात करेगी तो वो बात ये करेगी कि आप सिर्फ जो है हमारे जो एक युवराज के ऊपर आपने कमेंट किया है उस कमेंट पे माफी मांगिए या ये कार्रवाई कीजिए। तो जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे से भटकाने का काम भी तो आज कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस का ये मेन मुद्दे से भटकाने इस वजह से कर रही है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर जनता के पास चॉइस क्या होगी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। तो अगर कांग्रेस इस बात से व्यथित है, कांग्रेस इस बात से दुखी है और कांग्रेस को यह बात बुरी लगी है कि उनके एक नेता के खिलाफ इस प्रकार का जो झूठा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, तो उस कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, जिले का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और इस मामले पर जितनी जल्दी हो सके इस कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी चाहिए, और कानूनी रूप से अगर लड़ाई ना हो तो लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। परंतु कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस इसलिए नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण के मुद्दे पर सपोर्ट करना है, जातिवाद के मुद्दे पर सपोर्ट करना है, एट्रोसिटी के मुद्दे पर सपोर्ट करना है। तो ये इनकी जो है, इनकी जो एक पटकथा है, ये पटकथा के दोनों ही एक। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे पूरे? क्या वजह? छत्तीसगढ़ पुलिस के पास जहां तक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, उनके पास वारंट थे, उनके पास अरेस्ट करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर था। परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बात कही कि पुलिस को, हमें लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था अरेस्ट करने से पहले। ये प्रक्रिया जो है वो सीआरपीसी की कोई प्रक्रिया नहीं है, और पुलिस जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। होता है ना लोकल पुलिस लोकल थाने को तो इन्फॉर्म नहीं, नहीं ये सिर्फ दो या तीन कारणों से, एक तो लोकल पुलिस एक्ट के अंडर में ये प्रोविजन है, और दूसरा लोकल पुलिस को इस वजह से इन्फॉर्म किया जाता है ताकि वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, और जो दूसरे स्टेट की पुलिस जो गिरफ्तार करने आ रही है, अरेस्ट करने आ रही है, उसे प्रोटेक्शन मिल सके, और वो कोई भी फंडामेंटल राइट जो एक्यूज के है उसे वॉयलेट ना कर सके। क्योंकि जो स्टेट जो FIR जो है स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, सिर्फ इस कारण से ही जो बाहर से कभी पुलिस आती है और उसे कोई अरेस्ट करना होगा तो लोकल पुलिस को इंटीमेशन देना, जो कि रिटर्न में सीआरपीसी के अंडर में नहीं है।